गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बहुत स्पेशल लंच बनाने वाले हैं जो कि समर्स में हमारे पहाड़ में बहुत खाया जाता है। उसमें बनाने वाले हैं हम बेसन की कड़ी, जिसमें ना कि दही पड़ेगा ना लस्सी पड़ेगी, और ना उसमें हम डालेंगे प्याज और लहसुन। और साथ ही साथ हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी डेजर्ट, जिसमें बनाने वाले हैं मैंगो पुडिंग। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी रेसिपी। इसमें तड़के में डाला है, पहले हमने डाली है लाल मिर्च, तेज पत्ता, और फिर उसके बाद हमने डाला है जीरा और हींग, फिर थोड़ा कड़ी पत्ता और टमाटर। हाँ, इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डलेगा। उसके बाद हमने डाला है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। फिर इसको थोड़ा भून लेंगे मसाले को। इसको कम आंच में थोड़ा भून देना है। अब मसाले ने तेल छोड़ दिया, ये देखिए तेल सारा ऊपर आ गया। तो उसके बाद हम डालेंगे बेसन, जिसमें पानी में घोल रखा है। इसमें बेसन ज़्यादा नहीं पड़ता है, तीन चम्मच बेसन थोड़ा और पानी डाल देंगे, क्योंकि फिर ये नीचे चिपकने लग जाता है बेसन। उसके बाद इसको हम चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। इसको अभी कम आंच में ही रखना है ताकि बेसन अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो गाइस, साथ ही साथ हम बनाएंगे पुदीना और आम की चटनी, जिसमें हमने खूब सारे पुदीना लेने और आम और थोड़ी मिर्च। तो अब इसको हम जार में डाल देंगे। इसमें सारे मिक्स करके इसमें डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, बस इतना ही। और अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। सो गाइस, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। बाकी आप इसको चावल के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई, जो कि बहुत टेस्टी लग रही है। अब हम इसको भी टेस्ट करेंगे कि कैसी बनी है। तो गाइस, ये हमारा खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ी चटनी के साथ। इसमें थोड़ा सा प्याज, और टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी बना है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया, बहुत टेस्टी, और चटनी मैंने बनाई। तो गाइस, इस कड़ी की एक ख़ास बात है कि इसमें ना लहसुन है, ना इसमें प्याज है, और ना इसमें दही है, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनी है। कभी आप भी अपने घर में ट्राई करना। वैसे तो YouTube में बहुत सारी वीडियोस हैं, बट एक बार हमारे टाइप जैसे हम बना रहे हैं वैसे ट्राई करना, तो बहुत टेस्टी लगेगी आपको। मैंगो पुडिंग, जिसके लिए हमें चाहिए चिया सीड्स। इसको पहले मैं फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें लगेगा थोड़ा सा। और हमें इसको भिगोना है दूध के साथ। तब तक मैं इसे फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। सो गाइस, तो जो मैंने चिया सीड्स सोक किए थे वो सारे के सारे फूल चुके हैं। तो सबसे पहले हम पुडिंग बनाने के लिए थोड़े मैंगोज़ को
इसमें रखेंगे थोड़े मैश्ड मैंगोज को रखेंगे, उसके बाद चिया सीड्स में मैंने थोड़ा सा इसमें शुगर भी ऐड किया था, उसके बाद हम चिया सीड्स को इसमें सेकेंड लेयर में रखेंगे। उसके बाद मैंने कुछ कैश्यूज सोक किए थे उसको रखेंगे। और फिर से मैंगोज, फिर से थोड़े काजू डालूंगी। गाइस ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है खाना, क्योंकि इससे पेट में ठंडक मिलती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसमें सब कुछ है, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ हमने डाला नहीं है, जैसे कि आपने देखा। अगर आम को अलग तरीके से खाना चाहते हैं तो आप अपने घर में ये बना सकते हैं, और आपके घर में अगर कोई मेहमान आए तो उनको भी खिलाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो इसी डेजर्ट के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।